फैशन फेस्टिवल 2020 के लिए आज हुए ऑडिशन। पर्यावरण मित्र समिति द्वारा किए जा रहे इस आयोजन में किड्स फैशन शो के लिए भी ऑडिशन किए गए, जिसको लेकर आज मिगलानी सेलिब्रेशन में ऑडिशन किए गए, जिसमें मुरादाबाद मंडल के विभिन्न शहर से युवतियां, महिलाएं एवं बच्चों ने प्रतिभाग किया। आज के ऑडिशन से 20 युवतियां महिलाओं का चयन फाइनल राउंड के लिए किया गया तथा 20 बच्चों का चयन मास्टर मुरादाबाद एवं एंजल मुरादाबाद के लिए किया गया। ऑडिशन के निर्णायक मंडल में श्रीमती मेघा जैन, श्रीमती शमिता जैन, श्रीमती प्रियंका अग्रवाल आदि रहे। अधिक जानकारी देते हुए शो प्रोड्यूसर के गुप्ता ने बताया कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मुरादाबाद फैशन फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज मॉडल्स का ऑडिशन लिया गया, जो कि ग्रैंड फिनाले में मॉडलिंग का प्रदर्शन करेंगे, जहां से मास्टर मुरादाबाद का चयन किया जाएगा। जो युवतियां एवं महिलाएं इस ऑडिशन में प्रतिभाग नहीं कर पाई हैं, वह वाइल्ड कार्ड एंट्री के माध्यम से ग्रैंड फिनाले में प्रतिभाग कर सकती हैं। इसके लिए 20 दिसंबर तक आयोजन मंडल से संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में उर्वशी सिंह, डॉक्टर आर.एन. वाजपेयी, विनय गुप्ता, के.के. गुप्ता, शिव मिगलानी, कार्तिक मिगलानी, जयप्रकाश, अविनाश, उदित शर्मा, महक गनी, उदित नारायण और प्रयाग ह्यूमन फाउंडेशन, मिगलानी सेलिब्रेशन व दुर्गा मूवीज आदि का सहयोग रहा। चाहेंगे क्या नाम है आपका? उसके बाद मिसेज इंडिया इंटरनेशनल और टीन क्वीन जो इंडिया का है उसका ब्रांड फेस हूँ मैं यहाँ उत्तर प्रदेश में। एंड उसके अलावा डन सो मैनी शोज हेयर एंड इवन इन लुधियाना। आई जस्ट लव दिस। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? यहाँ पर आज पर्यावरण मित्र स्मृति और के.के. गुप्ता जी द्वारा मिस एंड मिसेज मुरादाबाद करवाया जा रहा है, तो उसमें प्रियंका जी और मीधा जी के साथ यहाँ पर हम बाकी सब कंटेस्टेंट्स को जज करने, उन्हें हेल्प करने आगे, ताकि वो और बेटर कर पाएँ और जीत कर इस टाइटल को इस फील्ड में अपना मुकाम बना पाएँ। जैसे मिसेज ममता बजाज, उन्होंने किया ये टाइटल जीत कर, तो वैसे ही वो अपना और इस कॉन्टेस्ट का नाम रोशन। ज़्यादा देखा गया मुरादाबाद में मॉडलिंग में ज़्यादा लड़की इस मंच पर नहीं आना चाहती, रुचि नहीं रखती, रुचि नहीं रखती। पर दैट्स व्हाई वी आर हियर टू इंस्पायर देम। इवन आई एम अ हाउसवाइफ, मेरे भी दो बच्चे हैं, मेरे को भी पहले लगता था कि नहीं आई कैन नॉट डू दिस, बट लेटर ऑन जब आपका शौक होता है, आई वुड लाइक टू से कि आपको अपने ड्रीम्स को चेस करना चाहिए। ऑलवेज चेज योर ड्रीम्स, तो आप कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुँचोगे। अगर आप में वो हिम्मत है, अगर आप करना चाहते हो और आपकी फैमिली का सपोर्ट है और आप पूरी शिद्दत से कर रहे हो, तो आप ज़रूर पहुँचोगे। तो उन बच्चों के लिए क्या कहने चाहेंगे जिन बच्चों को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता मगर उनकी रुचि इसी मंच के लिए? डेफिनेटली मैं चाहती हूँ, मैं उन सारे पेरेंट्स से अपील करना चाहती हूँ कि वे अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उन पर भरोसा रखें, उनको आपकी हेल्प चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, तो फिर आप देखिएगा वो आपका नाम कैसे रोशन करते हैं, ना कि सिर्फ मुरादाबाद में, ना कि सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में। कार्यक्रम कराना क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम करवाने का यही मेन उद्देश्य है कि मुरादाबाद में जितनी प्रतिभाएं हैं जो कि आ नहीं पाती हैं किसी भी कारण से, दिस इज़ द स्टेज, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म जहां पर आकर वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और शोकेस कर सकते हैं अपना टैलेंट और आगे जा सकते हैं। मैम, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया आज के प्रोग्राम में? यहाँ पर अभी कम से कम 10 से 15 मिस के कंटेस्टेंट्स हैं, मिस मुरादाबाद के, और उसके बाद मिसेस मुरादाबाद के हैं और मास्टर और एंजल मुरादाबाद के कंटेस्टेंट्स भी हैं। ये कार्यक्रम आगे भी आयोजित किए जाएंगे? बिल्कुल, ये जैसे कि के.के. गुप्ता जी ने बताया कि 2012 से ये कंटिन्यूस करवाया जा रहा है हर साल प्रोग्राम, तो इसी तरह अभी भी करवाया जाएगा और आगे भी आने वाले हर साल में, क्योंकि जो मिस और मिसेस मुरादाबाद के टाइटल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी शो में दिए जाते हैं सारे के सारे। थैंक यू सो मच।